आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2014 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर फिल्म एक विलेन से जुड़े कुछ अनसुनी और रोचक बातों के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। एक विलेन 27 जून 2014 में रिलीज हुई थी। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा, रितेश देशमुख और श्रद्धा कपूर लीड रोल में नजर आए थे। इसके अलावा फिल्म में प्राची देसाई एक आइटम सॉन्ग में नजर आई थी। फिल्म का डायरेक्शन मोहित शूरी ने किया था। इसके अलावा बालाजी मोशन पिक्चर्स के तहत फिल्म को एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म का म्यूजिक उस साल काफी पॉपुलर हुआ था। फिल्म में कुल 5 गाने थे और सभी के सभी गाने सुपरहिट हुए थे। खासकर फिल्म का गाना तेरी गलियां उस साल का सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था। आपको बता दें कि फिल्म का म्यूजिक अंतिक तिवारी और मिथुन ने मिलकर कंपोज किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। अगर बात की जाए इसके बजट के बारे में तो इसका बजट 35 करोड़ रुपए का था, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया से कलेक्शन 98 करोड़ रुपए का किया था। वहीं इसके वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इसने 153 करोड़ रुपए की कमाई की थी। एक विलेन साल 2010 में रिलीज हुई साउथ कोरियन फिल्म आई शो द डेविल की अनऑफिशियल रीमेक थी, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर मोहित सूरी ने भारतीय सिनेमा के आधार पर फिल्म में कई सारे बदलाव किए थे। पहले इस फिल्म का नाम विलेन रखा गया था, लेकिन इस नाम से अर्जुन रामपाल के पास पहले से ही राइट्स थे, जिसकी वजह से इस फिल्म का नाम बदलकर एक विलेन कर दिया गया था। आपको बता दें कि बॉलीवुड में गुप्त, विश्वात्मा, मोहरा और त्रिदेव जैसी कई बड़ी फिल्में बनाने वाले राजीव राय ने काफी समय पहले एक विलेन नाम से एक फिल्म बनाने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने ये टाइटल भी रजिस्टर्ड करवाया था। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से राजीव राय ये फिल्म नहीं बना सके। बाद में उन्होंने इस फिल्म को बनाने की परमिशन एकता कपूर को दे दी थी। सिद्धार्थ मल्होत्रा और रितेश देशमुख को पहली बार एक साथ फिल्म एक विलेन में देखा गया था। दोनों की जोड़ी दर्शकों को खूब ज्यादा पसंद आई थी। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एक गैंगस्टर का किरदार निभाया था, जबकि रितेश देशमुख ने फिल्म में एक सीरियल किलर की भूमिका निभाई थी, जो अपनी बीवी के तानों से तंग आकर शहर की औरतों पर अपना गुस्सा निकालता है और उन्हें मार देता है। एक विलेन के बाद ये दोनों फिल्म मरजावा में भी एक साथ नजर आए थे। ये फिल्म भी काफी दर्शकों को पसंद आई थी। रेमो फर्नांडिस बॉलीवुड के जाने माने म्यूजिशियन हैं, जो अभी तक कई फिल्मों में अपनी आवाज दे चुके हैं। साथ ही म्यूजिशियन के तौर पर भी ये कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं, लेकिन एक विलेन में इन्हें एक गैंगस्टर के किरदार में देखा गया था। रितेश देशमुख ने अपने करियर में अधिकांश कॉमेडी फिल्म ही की है, लेकिन ये उनके करियर की पहली ऐसी फिल्म थी जो नॉन कॉमेडी थी और बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ी हिट हुई थी। फिल्म में रितेश देशमुख के किरदार को ज्यादा खतरनाक दिखाने के लिए उनकी आंखों में लेंस का इस्तेमाल किया गया था। यह सिद्धार्थ मल्होत्रा के करियर की तीसरी फिल्म थी। इन्होंने साल 2012 में फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से डेब्यू किया था, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। इसके बाद साल 2014 में इनकी दूसरी फिल्म हंसी तो फंसी रिलीज हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसके बाद इसी साल 2014 में ही इनकी फिल्म एक विलेन रिलीज हो रही थी। आपको बता दें बतौर लीड एक्टर यह सिद्धार्थ मल्होत्रा के करियर की अभी तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म रही है। यह श्रद्धा कपूर के करियर की 5वीं फिल्म थी। इन्होंने साल 2010 में फिल्म तीन पत्ती से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद लव का द एंड, आशिकी 2, गोरी तेरे प्यार में और एक विलेन शामिल है। इसमें से आशिकी 2 और एक विलेन बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी, जबकि बाकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई थी। फिल्म के डायरेक्टर मोहित सूरी हमेशा से ही भट्ट कैंप की फिल्मों का निर्देशन करते आ रहे थे। यह फिल्म थी जिसका भट्ट फैमिली से कोई संबंध नहीं था। एकता कपूर के होम प्रोडक्शन में बनी यह मोहित सूरी के करियर की दूसरी ऐसी फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई थी। इससे पहले साल 2013 में रिलीज हुई आशिकी 2 भी बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। इस फिल्म को उस साल क्रिटिक्स के अलावा दर्शकों ने भी खूब ज्यादा पसंद किया था। फिल्म को उस साल फिल्म फेयर, स्क्रीन अवार्ड, आईफा अवार्ड सहित कुल मिलाकर 14 अवार्ड मिले थे। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।